नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। लोक सेवा आयोग के द्वारा आगामी 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी खबर अभी आप तक आपकी चल रही थी वह सामने देखने को मिल चुकी। खबर यह है कि अभी तक यह चल रहा था कि RO ARO में धांधली होने वाली, आपने वीडियोस तमाम देखे होंगे, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। कई तरीके के लोग यह भी बोल रहे थे कि अब जब एक से अधिक पालियों में आयोजन होगा तो वह आयोजन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी का ना दिखाया जाना, फाइनल आंसर की का ना देना और तमाम चीजों को लेकर के यह जो विसंगत चल रही है इस पर तमाम सवाल आप लोगों ने देखे होंगे। तो एक वो वर्ग जो आपका RO ARO की तैयारी कर रहा उसके मन में बहुत ज्यादा संशय बरकरार था, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं थी स्पष्ट तौर पर कि क्या वाकई आपके लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा 2023 वाली है इसमें बदलाव हुआ है। अभी अभी एक चीज आपको मिली है, एक ऑथेंटिक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया कि आपके RO ARO की जो परीक्षा है यह 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को आयोजित। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज और देखने को मिली, अभी तक लोक सेवा आयोग के किसी भी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं था, पहली बार RO ARO की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव आयोग ने दिखाया है। यानी शुरुआत हो चुकी है कि आगामी परीक्षाओं में आपके कई तरीके के बदलाव भी हो सकते हैं और आयोग की जो कार्य प्रणाली है अगर बदलाव किया जा रहा है तो पूरी चीजें स्थित भी आपकी कहीं ना कहीं स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी वर्ग में कहीं ना कहीं एक विश्वास भी पैदा हो। सिर्फ व्यवस्थाओं में बदलाव से ही कुछ नहीं होता है। यह देखेंगे आपकी, जैसे यह जो आपका नोट एक तरीके से वायरल हो रहा है इसमें यह कहा गया है ठीक है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में ठीक है भेजा गया है कि जो यह प्रारंभिक परीक्षा आयोजन होना है यह 22 दिसंबर 2024 एवं 23 दिसंबर 2024 को तीन पालियों में। भाई अभी तक आपने पेपर दिया होगा, जैसे इससे पहले वाला जो रद्द हुआ उसमें सुबह आपने GS का पेपर दिया होगा, शाम में आपको हिंदी का पेपर देने को मिला, एक दिन में आपका एक तरीके से पेपर पूरा हो रहा, लेकिन तीन पालियों में पेपर होना है, तीन पालियों में। और एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी बता रहा है, यह कह रहा है कि प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 रविवार को प्रथम पाली पूर्वान 9 बजे से मध्यान 12 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा। यानी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र जो GS और हिंदी है दोनों एक साथ, अब आपकी दोनों पेपर एक साथ आपको देने होंगे, GS भी आपको मिल जाएगा और हिंदी भी मिल जाएगा, हो सकता एक ही प्रश्न पत्र में आपके दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाए, अलग अलग प्रश्न पत्र। 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है 9 बजे से 12 बजे तक। ऐसे दूसरी जो पाली होगी द्वितीय पाली यह आपकी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी, 3 घंटे का यह भी पेपर है। और तीसरी पाली आयोजन 23 दिसंबर 2024 को सोमवार को 9 बजे से 12 बजे तक होने वाला है ठीक है। तो अब यह चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर में भी बोला गया कि सेंटर उनको बनाएंगे जो 500 अभ्यर्थी जहां पर बैठ पाए, 1000 जहां अभ्यर्थी की क्षमता है वो वहां पर 2 सेंटर बनाए जाएंगे, 2 केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि भाई अलग अलग उनको क्या किया जाएगा, केंद्र व्यवस्थापक उनके अलग अलग बनाएंगे, एक ही केंद्र व्यवस्थापक, एक केंद्र व्यवस्थापक पर केवल 500 बच्चों की जिम्मेदारी आयोग ने सौंपी है। अब सबसे बड़ी चीज है कि आपके सामने यह जो चीज आ रही है UPPSC को लेकर के, UPPSC ने बोला कि RO ARO की परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में कि हम भैया पेपर जो होगा वह आपका तीन पालियों में होगा, और साथ ही साथ इन तीन पालियों की जब हम बात करें ठीक है तो तीन पालियों के साथ उसने बोल दिया कि जैसे इसमें आपकी एक जो आपकी शिफ्ट होगी 9 बजे से 12 बजे तक होगी, दूसरी शिफ्ट आपकी 3 बजे से आपकी 6 PM तक होगी। यानी 3 घंटे का समय आपको आयोग दे रहा है और इस 3 घंटे के समय में जो आपका GS होता था और हिंदी होता था यह दोनों अब एक ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरी तरीके से परीक्षा के पैटर्न में आयोग ने कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया है परीक्षा पैटर्न में। अब यह कई ऐसे बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी होगा क्योंकि GS जैसे प्रश्न को हल करने में, वो भी लोक सेवा आयोग के RO ARO की परीक्षा, PCS प्री के परीक्षा से हार्ड RO ARO की परीक्षा हो जाती है GS के प्रश्नों के मामले में। PCS प्री आसान हो जाता है लेकिन RO ARO के प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो PCS प्री से हार्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब उसी 3 घंटे में अभ्यर्थी को मैनेज करना, हिंदी भी करना है और साथ ही साथ आपके क्या करना है GS। अब जितने लोग तैयारी कर रहे थे, जैसे माह आपका चल रहा है सितंबर
ठीक है, अक्टूबर नवंबर आपके पास है, ठीक है, एक तरीके से आप प्रॉपर देखा जाए तो तीन महीने आपके पास समय है और नए बदलावों में ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा करने वाला है, क्योंकि भाई जिस तरीके से आपने बदलाव दे दिया है, अभ्यर्थी अभी तक किस अनुसार अपनी तैयारी कर रहे थे कि भाई हम दो घंटे में अपना जीएस करेंगे, जैसे क्या होता है सामान्य तौर पर कि हम ये देखते हैं कि पेपर में बैठे पहला, अगर मान लीजिए सभी के दिमाग में एक चीज होती है कि हिंदी हम 55 प्लस करके आएंगे और हिंदी में कर भी ले जाते हैं, जीएस में यह होता है कि हमारा टारगेट 90 चल रहा है और 50 प्लस उधर चलेंगे तो 140 प्लस हम दोनों से मिलाकर अचीव कर लेंगे और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बट अब ये जो टास्क बना है ना, ये सभी के लिए चैलेंजिंग हो गया। अपने आप को तीन महीने के भीतर इस भांति से तैयार करना कि तीन घंटे के पेपर में क्या करना है, तीन घंटे में आपके, ठीक है, हिंदी और जीएस दोनों को एक तरीके से संभाल लेना है। तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए, भाई पहले से तो आयोग ने कोई चीज स्पष्ट नहीं की कि पेपर के पैटर्न में इस तरीके से बदलाव कर देंगे और अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हुआ है। जो परीक्षा तिथि की बात आई थी 22 दिसंबर को आपने बोल दिया था इसका आयोजन होगा, अब आपके द्वारा यह बदलाव किया गया कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को आयोजन होगा, तीन घंटे का पेपर होगा। जो अभ्यर्थी अभी तक यह चीज संजो कर बैठते थे, ठीक है, एक अभ्यर्थी के तौर पर मैंने भी आरओ की परीक्षा, भाई बीसीएस प्री की परीक्षा सभी को बहुत करीब से देख रखा है, तो वहां पर अपना माइंडसेट क्या सेट होता है कि अगर जीएस का पोर्शन हमारा जो है 90 तक हम पहुंच गए तो हिंदी में हम वहां से कवर कर लेंगे। अब दोनों चीजें आपके सामने होंगी, दोनों चीजें आपके सामने, ये भले ही आयोग ने ये किया हो कि हाँ बच्चे जो बाहर बैठे रहते हैं उनका समय बचेगा, ये होगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तैयारी करने वाले जितने छात्र हैं कहीं ना कहीं उनके समक्ष एक नई चुनौती आयोग के द्वारा पैदा की गई, और नई चुनौती के साथ साथ तीन पालियों में होगा आयोग ने दूसरा भी, भाई एक से अधिक पालियों में जब आयोजन होता है, नॉर्मलाइजेशन का जो है होता है एक दिन से अधिक जब आपका होता है तो नॉर्मलाइजेशन अब इसमें करता है कि नहीं करता है ये भी बात संशय में है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आयोग करेगा तो आप इससे पहले देख चुके हैं कि इसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, तमाम तो आयोग पर सवाल इससे पहले ही उठे बैठे हैं, तमाम चीजें कि आयोग की कार्यप्रणाली पर पहले से ही संशय लगा बैठा है, तो बहुत सारे ऐसे उहापोह में जो है अब विद्यार्थी के सामने आ रहे हैं, वो अभ्यर्थियों के सामने आ रहे हैं कि भाई हम अपने आप को बचे हुए समय में कैसे तैयार करें और क्या चीजें करें। बहरहाल जब चीजें सामने होती हैं आयोग का डिसीजन है, इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं तत्काल तौर पर। अब बात आती है अपने पास तैयारी की, तो अपने पास तैयारी में तीन महीने का जो समय है, तीन महीने के समय में जैसे हम लोग भी संस्था के द्वारा आपको एक जीएस को लेकर के और एक हिंदी को लेकर के दो क्लासेस आपकी, हिंदी की शाम को 8 PM पर, ठीक है, हिंदी के प्रकांड विद्वान अरुण शुक्ला सर वो ले रहे, और जीएस में भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट की सारी क्लासेस 9 PM पर अभी, ठीक है, एज अ मॉक पेपर दी जा रही है, तो इन दोनों चीजों को आप कवर अप शुरू करिए कहीं ना कहीं, ठीक है, एक बेहतरीन तैयारी के साथ। मैं मानता हूं यकीनन कि जो लोग इस परीक्षा की तैयारी करते हैं वो बेहतरीन तरीके से लगे, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हमारी दिशा सही है। भाई दशा आपकी तभी बेस्ट होती है जब दिशा सही होती है, तो उसके लिए आप ये दो संस्था की जो तरफ से जो आपको दो क्लासेस दी जा रही यूट्यूब पर ही चल रही, इन दोनों क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए और अपने आप को कहीं ना कहीं मनोबल के साथ बढ़ाते हुए, बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहिए। बाकी इसमें अन्य जो प्रक्रिया है और सारी चीजें हैं, जैसे ही हमें और भी सूचना मिलती है कि आयोग का स्पष्टीकरण आखिर नॉर्मलाइजेशन के जो है संदर्भ में क्या होगा, इन तमाम चीजों पर अन्य जानकारियों के साथ आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल को जरूर इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त तैयारी करें उन तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात से अवगत हो पाएं और अपनी जो प्रक्रिया है, जो तैयारी की एक तरीके से प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अपने आप को फिर से एक बदलाव के साथ खड़ा करने की कोशिश करें। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि अकस्मात ऐसी चीजों का पता चलना कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होता है, और वो भी समय कम, तो सभी के सामने एक प्रश्न पहले उठ जाता है कि भाई ऐसी समस्या बन गई अब क्या किया। तो इन चीजों पर और भी डिटेल में आपसे चर्चा होगी बाद में कुछ और जानकारियों के साथ, जो और भी इससे ज्यादा आपकी जुड़ी हुई है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपके सूचना के समक्ष हाजिर होऊंगा। आज के लिए बस इतना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।